नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुरिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम धामी ने कहा कि उनका जाना हम सभी की अपूर्णीय क्षति है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के महान नेता थे। उन्होंने पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों और आम जनमानस के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही कल्याण सिंह ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी सरकार तक कुर्बान कर दी थी। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने में भी संकोच नहीं किया था। ऐसे महान नेता के निधन पर उत्तराखंड में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। कल्याण सिंह जी का जाना बहुत ही दुखद है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारत की राजनीति में बहुत बड़े शिखर पुरुष थे और उन्होंने हमेशा शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, आम जनता के लिए पूरे जीवन भर काम किया। उनकी कमी हमेशा उनको रहेगी। इसके साथ साथ भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बने, उसके लिए उन्होंने अपनी सरकार भी कुर्बान कर दी थी। और साथ साथ उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि इसके लिए जितनी भी सरकारें कुर्बान हों कम हैं। निश्चित रूप से उनके उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति। एक दिन का हम लोगों ने राजकीय शोक घोषित किया। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के खिलाफ जंग को अब पहले से भी ज्यादा रफ्तार मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाने का शुभारंभ कर दिया है। ग्राफिक एरा अस्पताल धूलकोट सेलाकुई में स्पुतनिक वी का वैक्सीनेशन शुरू किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से अस्पताल पहुंचकर स्पुतनिक वी वैक्सीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कई लोगों को वैक्सीन भी लगाई गई। वैक्सीन निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर आज आई है और इसका मिलेगा। वहीं बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें डॉक्टर हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य और सुबोध उनियाल शामिल हुए। वहीं बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री तीन नेताओं के एंट्री से ही कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। वहीं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर नैनीताल की महिलाओं ने कुमाऊं रेजिमेंट के आर्मी कैंट में जाकर फौजी भाइयों की कलाई में राखी बांधकर त्यौहार मनाया। फौजी भाइयों ने भी अपनी इन बहनों को देशवासियों की देश की सुरक्षा का वचन दिया। वहीं जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रतिभा जोशी ने कहा कि देश की सेवा में लगे सैनिक भाइयों की कलाई सुनी ना रहे, इसलिए उन्होंने फौजी भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की है। वहीं जागेश्वर से कांग्रेस के विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे। अल्मोड़ा में उन्होंने एक एटीएम का उद्घाटन किया और इस दौरान विधायक कुंजवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे पर सवाल खड़े किए। कुंजवाल ने कहा कि राज्य की जनता मन बना चुकी है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को जिताना है। भाजपा ने उत्तराखंड के लोगों के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और प्रदेश के लिए कोई बड़ा काम भी नहीं किया। राज्य की जनता परेशान होकर अब परिवर्तन का मन बना चुकी है। वहीं रुड़की में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता ने रक्षाबंधन के पर्व पर आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाकर उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और समाजसेवी सचिन गुप्ता ने रक्षाबंधन के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसके दौरान उन्होंने कोविड काल के दौरान सेवा देने वाली आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपहार देकर सम्मानित किया। सभी ने भीड़ करने के लिए इकट्ठे किया सभी नेताओं ने, लेकिन सम्मान के लिए कभी कोई बात नहीं करी। इस तरह का सम्मान किसी आशा का नहीं हुआ। दो साल से कोरोना काल में आशा सारी मिलजुल कर काम कर रही है और प्रताड़ना को सहती है, हर लोगों की बातें भी सुनती है, फिर भी काम के तत्पर है, लेकिन इस तरह का सम्मान स्वास्थ्य विभाग ने भी नहीं किया अपनी आशाओं का जितना सचिन भाई ने किया। इसलिए हमेशा आज का दिन सबसे उत्तम है। बहनों और भाइयों के लिए हमेशा प्यार ऐसा ही बना रही है, ऐसे ही आशाओं को सम्मानित होता रहना चाहिए, उनका उत्साह वर्धन बढ़ेगा। वहीं रक्षाबंधन के पर्व पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी के निर्देश पर बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने पुलिस के जवानों, जेल में बंदी रक्षकों को राखी बांधी
और उनसे सुरक्षा का वचन लिया। आपको बता दें कि हल्द्वानी जेल में भी महिला मोर्चा ने बंदी रक्षकों और वरिष्ठ जेल अधीक्षक सतीश सुखीजा को राखी बांधी। वहीं इस मौके पर हल्द्वानी उप कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक सतीश सुखीजा ने कहा कि उनको महिलाओं ने राखी बांधी है, इस पर उनको काफ़ी खुशी हुई। बस हम यहाँ पर राखी बांधने आए हैं महिला मोर्चा की तरफ से, नैनीताल जिला महिला मोर्चा की तरफ से, और यहाँ अच्छा है क्योंकि हमें पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हम इस ऐसे कार्यक्रम करवाया हमने, और हमें बहुत खुशी मिली है कि हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है। हम यहाँ उपकारागर में आए हैं और हम सब महिला मोर्चा जिला नैनीताल की तरफ से हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष दोनों का ही निर्देश हमें था, और साथ में हम सबकी दिली इच्छा थी कि हम यहाँ आएं और अपने उन भाइयों के राखी बांधें। इस त्यौहार को ये हम बहुत ही उत्सुक होते हैं, हर भाई बहन के मन में उत्साह होता है, लेकिन यहाँ पर वो स्थितियाँ होती हैं कि ये लोग घर नहीं जा पाते हैं या फिर बहनें इनके पास नहीं आ पाती हैं, तो उस दर्द को हम भी समझ सकते हैं और उस दर्द को ही पूरा करने के लिए हम बहनें यहाँ मिलकर आई हैं राखी बांधने के लिए, इस त्यौहार की गरिमा बढ़ाने के लिए, और हमें आकर यहाँ बहुत रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग कारागार पर आए और सभी हम को राखी बांधी, और भविष्य में भी मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। तो देश भर में रक्षाबंधन का पर्व इस साल बहुत ही खुशी से मनाया जा रहा है। 50 साल बाद एक बेहद शुभ योग बना। हरिद्वार शहर में भी त्यौहार का अलग ही रंग देखने को मिला। हरिद्वार में सुबह से ही बहनों ने अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों के लिए पूजा अर्चना कर भगवान से लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को खुशी के अवसर पर उपहार देकर अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। वहीं नैनीताल दुग्ध संघ में दर्जनों ठेकेदारी श्रमिकों ने एक कंपनी पर लाखों रुपए के पीएफ और ईएसआई का फंड हड़पने का आरोप लगाते हुए शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कई सालों से ईपीएफ का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक श्रमिक को हार्ट अटैक आ गया और मरीज को निजी अस्पताल ने 3 लाख का बिल थमा दिया। इसके बाद अन्य श्रमिकों ने अपना खाता चेक किया तो किसी को भी 2018 से पीएफ और ईएसआई नहीं मिल रहा था, ना ही उनका कंपनी की तरफ से ईएसआई और पीएफ जमा किया जा रहा था। मामला बढ़ता देख प्रबंधन ने दुग्ध संघ सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद प्रबंधन ने 15 दिनों का आश्वासन देते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं अल्मोड़ा में भुवनेश्वर महादेव रामलीला कमेटी कर्नाटक खेला ने श्रावणी उपाक और रक्षाबंधन के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें समस्त क्षेत्रवासी मौजूद रहे। प्रधान पुरोहित डॉक्टर गिरीश चंद्र जोशी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। रक्षाबंधन से पहले सामूहिक रूप से जनेऊ और राखियों को प्रतिष्ठित किया गया, उसके बाद ही जनेऊ धारण किया जा सकता है। ये प्रथा कई सालों से चली आ रही है। समाप्त हो रही परंपरा आज भी कर्नाटक खोला में जीवित है। सभी स्थानीय निवासी इस कार्यक्रम में एकत्र होकर अपनी जनेऊ और रक्षाबंधन को लेकर आकर यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पहले उन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है, उसके उपरांत उसे धारण किया जाता है। वहीं देहरादून में पेयजल निगम को राजकीय विभाग बनाने की एक सूत्रीय मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने आंदोलन शुरू कर दिया है। उत्तराखंड पेयजल निगम के राजकीयकरण के लिए कमेटी गठन के लिए लगभग 8 महीने बाद भी इस प्रकरण को लंबित रखा गया है। राजकीयकरण न होने के कारण पेयजल निगम कर्मियों के वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। अब निगम कर्मियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारी इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में भी निगम कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन शासन और सरकार ने वेतन और पेंशन भुगतान में कोई रुचि नहीं ली है, जबकि उत्तराखंड पेयजल निगम एक राजकीय निगम है। ये
ये आंदोलन का तीसरा चरण है। इससे पहले चरण में हमने जो है ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा, पेयजल मंत्री जी को ज्ञापन भेजा। हमारी मात्र एक ही मांग है कि विभाग का राजकीयकरण किया जाए। जो हमारा अगला आंदोलन का कार्यक्रम होगा, अगर हमारी बात को शासन प्रशासन के सामने हमारी बात नहीं समझी जाती है, सकारात्मक रुख इसमें अगर नहीं लिया जाता है, तो निश्चित रूप से इसके बाद हमारा जो तय कार्यक्रम गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में विशाल धरना प्रदर्शन का। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के बिजली अभियान को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महज 30 दिन की अवधि में प्रदेश भर में 10 लाख के आसपास लोगों ने आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली गारंटी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग 300 यूनिट फ्री बिजली पर कुछ गलत सवाल उठा रहे हैं या उसे गलत बता रहे हैं, वो कभी भी किसी भी सर्वाधिक मंच पर उनसे बहस करने के लिए तैयार है। अब ये जब हमने कैंपेन शुरू करा तो एक बड़े तरतीबवार शुरू करा इसको। पहले तो लोगों को समझाया कैंपेन के बारे में, फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कराने शुरू करे। और रजिस्ट्रेशन कैसे कराए कि हमारे जो वॉलंटियर्स थे वो हर घर में, हर इलाके में, पहाड़ में और प्लेन्स में जाने शुरू हुए। पहले लोगों को समझाया बिजली का मकसद क्या है जो हम दे रहे हैं, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए कि वो कॉल करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा उनका, और जिस दिन हम सरकार पर आएंगे उस दिन ये बिजली उनको एकदम से फ्री प्रोवाइड करी जाएगी। 11 जुलाई से दो दिन और ले लो, 13 जुलाई तक जो हमने ट्रेनिंग कराई और उसके बाद ये कैंपेन लॉन्च करा, तो हमारे कल 10 लाख यूनिट जो है, मतलब जो फिगर है वो क्रॉस कर गया है, मतलब 10 लाख से हमने ऊपर अभी हमारे इसमें रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। वहीं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज अब अपने अस्तित्व में आने लगा है। आपको बता दें कि लंबे समय से मेडिकल कॉलेज को मान्यता की दरकार रही है, जिसको लेकर जिला विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने मेडिकल कॉलेज के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि सूचना के अनुसार नेशनल मेडिकल काउंसिल्स यानी कि NMC की टीम मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेगी, जिसके लिए पूरी तैयारी की गई है। वहीं ये भी बताया गया कि चिकित्सक सहित पूरा स्टाफ यहाँ पर तैनात है और उनको उम्मीद है कि कॉलेज को मान्यता मिल जाएगी। कभी भी हो सकता है। हम लोगों ने उसकी जो प्रारंभिक तैयारियां हैं वो सब कुछ पूर्ण कर ली हैं, और जो छुटपुट व्यवस्थाएं हैं वो अगले एक दो दिन में कर ली जाएंगी, और हमें उम्मीद है कि इस बार NMC के विजिट से हमको जो है मान्यता जो है अवश्य प्राप्त होगी। इस बार डॉक्टर्स भी अब ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और जिन लोगों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई वो आज। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।